हालात यही पंजाब चे 1500 तो वध परिवार ने जिहड़ा अज इन्हां दे झूठे वैदियां करके कांग्रेस दियां करके अज फांसी दे कंडे ते। देखो उत्ते कला ये है कि एक एमएलए साहब उठ के कल गवर्नर साहब दी भाजपा दी पिट पिछे आ खलोते पिट उन्हां दी ताकत पाउण लग पे जिन्हां ने पंजाब की किसानी नूं एडी सट मारी। मेरा तो बड़ा स्पष्ट स्पीकर साहब नूं सवाल सी कि देखो जिहड़ा शड्यूल 10 है उहदे च बड़ा स्पष्ट लिखिआ एंटी डिफेक्शन लॉ बणेगा। अज 4 साल पूरे हो गए, कई एमएलए ने छड के वजीरां ने, एक तो स्पीकर साहब ने आप शामिल कराया सी कांग्रेस पार्टी च और कई अस्तीफा दे गए सी, उहनां दे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? देखो एडा वड्डा धोखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ दी उत्तों दी तां नहीं ना कि कोई ना स्पीकर ना कोई ना असी सारे वी आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उस एंटी डिफेक्शन लॉ दीआं धज्जियां उड़ा रहीआं ते ओह इत्थे भाजपा दी गल करी जाण, ओह गल शोक दी नहीं। स्पीकर साहब नूं चलो 10 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 साल बीत गए जी, तुसीं फैसला नहीं दे रहे और इहदे नाल कीदा नुकसान है? खजाने की लुट, क्योंकि तनखावां जा रही ने, सहूलतां मिलियां ने, लोकां नूं धोखा क्योंकि लोकां ने आपदा नुमाइंदा नवां चुन के भेजना। जे ये इन्हां नूं लोक सबक सिखाउणगे जिहड़े पार्टी तों चुन के गए आ, अज सौदेबाजी करके दूजी च चले गए। सो ये सारी चीज़ां ते बड़ा क्लीयर है इस हाउस की मर्यादा को बरकरार किनू रखना है। स्पीकर साहब ने अज उन्हां नूं वरत के कांग्रेस के हक च जां भाजपा के हक च उन्हां नूं चलाउण, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। मैं तो मोटी जी गल की चीज की धज्जियां तो तुम बह के उत्ते उड़ा रहे, ये भी नहीं सोचता और ये सारे एमएलए ने रौला पाया कि 4 साल बीत गए कोई फैसला नहीं दे रहे। देखो वो खजाने चो तनखावां जा रही, गड्डी मिली है, गनमैन मिले, घर मिले, फ्लैट मिले, ओदा क्यों भार खजाने पै रहा? दूजी गल कि जेड़ा उतो इलैक्शन होंगी जो आपका नवा नुमाइंदा चुन के भेजे, लोगों क्यों अधिकार उन्होंने खोया गया कि उन्होंने नुमाइंदा विधानसभा च नहीं बैठे? देखो अज सरकार अपने अखीरले पड़ावा ते, 4 साल पूरे हो गए, अखीरला बजट पेश हो, बजट सैशन शुरू हो, वड्डी गल ये है कि हाथी लंघ गया, पूंछ रह गई और सरकार ही क्लेम कर दी अपने गवर्नर एड्रैस से कि असीं तां जी सारयां दे कर्जे माफ करते, क्योंकि झूठ बोलना पवित्र सदन च मैं समझदा है बड़ी गलत गल है। अज हो की रहा है 1500 तो वध किसान खुदकुशी कर गए। कांग्रेस का चोन मैनीफेस्टो जे तुसीं कढ के पढ़ो 2017 च, जिहदी 100 भी जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साधो की तलवंडी खाधी सी गुटका साहब की, उहदे च इह कहा सी कि जे कोई परिवार खुदकुशी करूगा असीं उन्हां परिवारां नूं 10 लाख मदद के तौर पर देवे तो एक सरकारी नौकरी देवे। उत्तों एक गल भी कही सी कि असी सारिया सोसायटिया का, सारे नैशनलाइज बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का, आड़ती का कर्जा माफ करा, लीक मार देंगे, कोई कर्जा रह नहीं देव। ताजा मामला सामने आया है कि प्यो पुत्र ने दसूए हल्के संबंधित पिंड मधीपुरा और जुम्मेवार सज्जन, देखो पिंड के दे नंबरदार भी ने साहब जगतार सिंह, लेट जगतार सिंह जी, पिंड के सरपंच भी रहे हैं, उन्होंने खुदकुशी नोट से अपने च की कहा, मैं 2 मिनट जो पढ़ दिया। मैं जगतार सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पिंड मत्तीपुर सुसाइटी ज सुसाइटी के कर्जे तो दुखी होकर आत्महत्या कर रहा हाँ। जो कांग्रेस सरकार ने कहा सी सारे जमींदारा का कर्जा माफ करेगी, वो कर्जा साडा बिल्कुल माफ नहीं होया। उन्हें स्पष्ट तौर पर आप दे सुसाइड नोट च कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराया और उहदे पुत्र ने कृपाल सिंह ने मोदी सरकार को ते कैप्टन साहब को जिम्मेवार ठहराया। ये तो दुखदाई गल की हो सकती है कि मैं ये तो गल सुनी है कि आड़तियां दे कर्जे करके किसी की डेथ हो गई, शायद पहली बार ही हो रहा कि किसान भी मार्जिनल समॉल फार्मर के अंदर आता, एक एकड़ तो घट लैंड होल्डिंग है, वो एक क्लेम करते कि असी
ढाई एकड़ा तक पांच एकड़ा तक सब का कर्जा माफ करता है, तो चिट्ठी इसे महीने पिछले महीने की है, ये पर्दाफाश कर दी उस क्लेम नूं कि सोसाइटी के कर्जे करके उन्होंने मजबूर हो गया कि उन्होंने डैथ उन्हें आपके डैथ वारंट कर दी। हालात यही पंजाब च 1500 तो वध परिवार ने जिहड़ा अज इन्हां दे झूठे वहद्या करके कांग्रेस दिया करके अज फांसी के कंडे च उन्हां दी बांह फड़ दी। और उन्होंने एक सुसाइड तो पहला अजनाले तो भी आया सी सुसाइड उतो पहला घोरा सी जिथे उन्होंने सीधे कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया। इसलिए मैं दो मंग रखिया सुसाइड के नोट उत्ते एक मुख्यमंत्री साहब एक पीपीसीसी प्रधान से एक कोऑपरेटिव मिनिस्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गए ये कानून। दूजी मेरी गल सी कि उन्होंने 10 लाख की मदद से सरकारी नौकरी जिहड़ा राहुल गांधी सोनिया गांधी का चोण मैनीफेस्टो सी उहदे मुताबक वह देना चाहिए। ये दो मंगा मैं रखिया क्योंकि सरकार के दावे का ऑपोजिशन की इन्हों के लोग इन्हों खोखले साबित कर रहे